हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में। की लर्निंग पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, इसमें है फर्स्ट रिप्रोडक्शन, सेकंड इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स ही रिप्रोडक्शन करते हैं या इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये प्रोसेस प्लांट्स में दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फ्लावर्स की मदद से होता है, और दूसरा है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो फर्दर टू कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं रूट्स, स्टेम और लीव्स। एग्जांपल भी दिए हुए हैं, रूट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डालिया जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें देखने को मिलता है, स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है शुगर केन में, और लीव्स के द्वारा ब्रायोफाइलम में। वैसे ही आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें पहला है स्टेम कटिंग, दूसरा है लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ फिगर देख सकते हैं, इन फिगर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है खुद के जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करना। ओके, प्लांट्स में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन है, पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है प्लांट्स में, वो सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो प्लांट्स में देखने को मिलता है। और जैसा कि हमने बताया, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने में। तो नेचुरल जो है इसका मेथड वो देखेंगे, बाय रूट। तो रूट के कौन से स्ट्रक्चर्स, जैसा कि हमने बात किया, डालिया है में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलता है। स्वीट पोटैटो का जो है, ये स्पेशल प्रकार का एक रूट होता है जो फूड भी स्टोर करता है, और साथ ही एक नए प्लांट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। स्टेम के द्वारा कैसे? तो तने के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, नेचुरल है ये। ये आपको देखने को मिल सकता है शुगर केन में, ओके, पोटैटो एंड जिंजर में। इनमें टाइनी बोर्ड्स होते हैं इनके नोड पे, नोड और इंटर नोड, ये दो टर्म्स हैं। नोड हम उस पॉइंट को कहते हैं प्लांट के स्टेम पे, ब्रांचेस पे, जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, और दो नोड्स के बीच के गैप को या स्पेस को इंटर नोड कहते हैं। ओके, यहाँ शुगर केन, पोटैटो और जिंजर में जो नोड वाला पार्ट है, वहाँ से कुछ बर्ड्स अराइज होते हैं, कुछ कली जैसे स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जो ईच बर्ड कैपेबल होता है एक न्यू प्लांट को फॉर्म करने के लिए। तो कुछ सर्टेन प्लांट्स में ही लीव्स के द्वारा जो है नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये देखने को मिलता है। जैसे ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम का आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ फिगर ब्रायोफाइलम भी आप देख सकते हैं। हियर इज इट, है ये स्ट्रक्चर्स जो मार्जिन पे प्रोड्यूस हुए हैं ये बर्ड, और ये बर्ड जो है ये ग्रो करते हैं एक न्यू प्लांट में, अगर लीफ जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से टूट के नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, और सॉइल के कांटेक्ट में आने पे फेवरेबल कंडीशन अगर मिलता है, तो ये नए प्लांट को ग्रो करा सकता है। ओके, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जिसमें मैन इन्वॉल्व होगा। ओके, तो इसमें स्टेम कटिंग एक पहला मेथड होता है, तने को काटा जाएगा। लाइक यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर, एक फिगर, इसमें रोज के एक ब्रांच को कट किया जा रहा है स्मॉल पीसेस में, और फिर उन्हें प्लांट कर दिया गया है मिट्टी के अंदर, और इन पीसेस से बेबी प्लांट रोज के जनरेट हो गए हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल खुद भी करके देख सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है, ऐसा देखने को मिलता है हमें शुगर केन में और रोज में भी। लेयरिंग में कॉमन एग्जाम्पल लिया गया है जैस्मिन का। तो ये रहा फिगर लेयरिंग का। ओके, पेरेंट प्लांट होता है, दिस इज पेरेंट प्लांट हियर। पेरेंट प्लांट के लोअर ब्रांचेस को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ यहाँ पे रख देंगे, लाइक स्टोन रख सकते हैं। ओके, तो ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यहाँ से कुछ रूट्स अराइज हो जाते हैं, ये आप हर तरफ कर सकते हैं। और जैसे ही रूट अराइज हो जाए कुछ दिनों बाद, इसका एक फिक्स टाइम के बाद, आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट प्लांट से इस ब्रांच को कट कर सकते हैं, और इसे इस न्यू प्लांट को आप दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है
लेयरिंग का। और ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट को भी आप एक साथ ग्रो करा सकते हैं। लाइक जो एक पार्ट हम ले लें जो जमीन में पहले से लगा हुआ हो, जड़ वाला हिस्सा जिसे कहते हैं स्टॉक, और एक नया प्लांट, डिजायर्ड प्लांट जिसे आप चाहते हैं कि जो हो। लाइक आप चाहते हैं कि आम का पेड़ आप लगाएं, तो एक आम की डाल ले लें जो कि फ्रेश हो, ओके, गुड कंडीशन में हो। उस पार्ट को हम कहेंगे सियोन, और उस पार्ट को, आम के उस पार्ट को हम लगाएंगे रू स्टॉक के ऊपर वाले हिस्से पे। और इसे यहाँ दिखाया गया फिगर में बिल्कुल ऐसे ही कट किया था ऑब्लिक में, और एक पीस ऑफ क्लॉथ जो कि वेट करके इसके इनके ऊपर टाइटली इन्हें टाइट कर दिया था, बांध दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का। लेयरिंग में क्या है कि लोअर ब्रांच ऑफ जो पेरेंट प्लांट का लोअर ब्रांच होता है उसे बेंट कर दिया जाता है, बरीड कर दिया जाता है अंडर ए सॉयल, एक स्टोन प्लेस कर दिया जाता है ओवर द पार्ट, और दिस टिप पार्ट जो है उसे सॉइल के ऊपर ही रखा जाता है। जो ब्रांच होती है उसके टिप पार्ट को ऊपर ही रखा जाता है। कुछ दिनों बाद कुछ रूट्स डेवलप हो जाते हैं जब, तो नए ब्रांचेस, न्यू ब्रांच जो होता है उसे कट कर दिया जाता है और उसे पेरेंट प्लांट से अलग कहीं ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे प्लेस पे। एग्जांपल में आप जैस्मिन के साथ ऐसा लेयरिंग प्रोसेस क्या कर सकते हैं, ये एक्टिविटी के तौर पे आप करके देख सकते हैं। ग्राफ्टिंग में जैसा बताया गया आपको कि टू डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स को ज्वाइन किया जाता है और टाइड किया जाता है एक वेट क्लॉथ से। अपर पार्ट जो होता है उसे कहते हैं सियोन, एंड जो कि डिजायर्ड प्लांट होता है, जो आप चाहते हैं प्लांट ग्रो कराना, वो पार्ट जो है उसे कहेंगे सियोन। इसे अपर पार्ट पे लगाएंगे और लोअर पार्ट को कहते हैं स्टॉक। ये किसी भी प्लांट के रूट को आप ले सकते हैं। जो मेथड है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का, दैट इज सेक्सुअल, एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स। फ्लावरिंग प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें फ्लावर देखने को मिलता है, वो फ्लावर्स को फॉर्म करते हैं। फ्लावर्स जो है फ्रूट्स को फॉर्म करते हैं, और फ्रूट्स के अंदर हमें सीड देखने को मिलता है। और जब जर्मिनेशन देखने को मिलता है, जर्मिनेशन होता है उस सीड का, तो उससे एक नया प्लांट ग्रो होता है, और इस नए प्लांट को हम बेबी प्लांट भी कहते हैं। तो बेबी प्लांट को ग्रो करता, बेबी प्लांट अगर ग्रो कर जाए, वो मैच्योर हो जाए, तो वो बेबी प्लांट भी फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा, और अगेन वो साइकिल रिपीट करेगा कि फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फिर वो फिर उससे फ्रूट्स बनेंगे, फिर फ्रूट्स के अंदर सीड्स होंगे, फिर सीड्स से एक नया बेबी प्लांट तैयार होगा। ओके, मोस्ट केसेस में फ्लावर्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों पार्ट को बियर करता है सेम फ्लावर में। लेकिन मैच्योरिटी के समय फीमेल पार्ट जो प्रोड्यूस करता है ओवम, और मेल पार्ट जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, ये दोनों फ्यूज होते हैं, और इनसे ही जो है फ्रूट इन फाइनली सीड्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है फ्लावर का, आप इसमें पार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ नेमिंग दिया गया है और नंबरिंग है इसमें, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, पिस्टल, एंथर, फिलामेंट, ठीक है, ये सारे दिया हुआ है। स्टैमेन है, पेटल है, सेपल, ओव्यूल, रिसेप्टिकल्स, इन सबके नेमिंग्स को आप देख सकते हैं। मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन अगर फीमेल पार्ट में चला जाए, इस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में, लाइक यहाँ फिगर में जैसे कि दिखाया गया है कि यहाँ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में हो रहा है, ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट को बियर किए हुए हैं, तो अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर टू डिफरेंट, यहाँ जो फिगर है नीचे, टू डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दो फ्लावर अलग अलग प्लेस पे होते हैं। तो इनके यहाँ से पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है जो इनकी हेल्प करते हैं मूव करने में। ओके, तो ये एजेंट्स होते हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैसे सिचुएशन प्लांट है। ओके, ड्यूरिंग पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे फॉल गिर जाता है, स्टिग्मा पे गिर जाता है, और स्लोली मेल का जो सेल है, दैट इज पॉलन ग्रेन, वो फीमेल के ओवम से फ्यूज कर जाता है और सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन में ये सीड्स ही जर्मिनेट होते हैं और एक नए प्लांट को गिव राइज करते हैं, नए प्लांट को फॉर्म करते हैं, नए में ग्रोथ भी तो देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम बात करेंगे प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में। प्लांट ग्रोथ कहाँ से होता है, तो सीड्स से स्टार्टिंग होती है किसी भी प्लांट में ग्रोथ की, और उसके बाद सीडलिंग बनता है, और सीडलिंग के बाद अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो नए प्लांट में वो फॉर्म हो जाएगा। सीडलिंग को आप खुद भी तैयार कर सकते हैं अपने घर पे, लाइक कि आपके पास अगर चने हो तो चने को पानी में रात भर भिगो के रखें, सुबह निकालें, और कुछ गीले कपड़े में कुछ चने के कुछ पीसेस को आप रख सकते हैं बंद करके,
और उसके बाद कुछ घंटों में देखेंगे कि कुछ 10-12 घंटों बाद कि उसमें से कुछ ग्रीन पार्ट जो है बाहर की ओर निकला होता है। उस सिचुएशन को सीड की उस सिचुएशन को सीडलिंग कहा जाता है। इसे स्प्राउट्स भी कहते हैं, अंकुर, ठीक है, अंकुरण हो जाता है उनका रहता है। यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है कि सीड है, सीड में रेडिकल निकला है यहाँ पे जो रूट को फॉर्म करता है, और एक स्ट्रक्चर है प्लिम्यूल जो शूट को फॉर्म करेगा, और एक बेबी प्लांट को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, या सिंगल प्लांट जो है, एक सिंगल प्लांट से हमें कई सारे सीड्स मिलते हैं, लेकिन क्या वो सारे सीड्स न्यू प्लांट को फॉर्म कर पाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक सीड को चांस नहीं मिलता कि वो ग्रो करे और सर्वाइव करे। कुछ उनमें से सीड्स को तो हम खुद ईट कर लेते हैं, हम खुद खा लेते हैं ह्यूमंस, जैसे सीड्स ऑफ राइस, व्हीट एंड ग्राम। कुछ सीड्स जो हैं बर्ड्स के द्वारा एज अ फूड यूज़ किया जाता है और अदर एनिमल्स के द्वारा, और कुछ सीड को तो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलता ही नहीं, इसलिए वो ड्राई अप होके डाई कर जाते हैं, उनकी मृत्यु कह सकते हैं हो जाती है। ओके, अब उन सीड्स की बात करें जिन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, तो द सीड्स दैट रिसीव ऑल कंडीशंस फेवरेबल टू ग्रो एंड सर्वाइव, ओनली दोज ग्रो इन टू न्यू प्लांट। केवल वही सीड्स नए प्लांट में ग्रो कर पाते हैं जिन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब हर एक सीड का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है क्या, इस पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करें कि सीड की कवरिंग के बारे में। हर एक सीड की अपनी अपनी कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सीड कोट। ये सीड कोट होता है, ये सीड को, बीज को डैमेज होने से बचाता है। मिसप्रिंट हो गया है, इट इज SEED सीड। ओके, तो सीड को कोट के अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ इट्स फूड स्टोर्ड फूड। मतलब कि सीड कोट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो फूड होगा, प्रोटेक्टेड होगा, फूड स्टोर्ड होगा, और वहाँ से ही एक बेबी प्लांट भी जनरेट होता है, फॉर्म होता है। जो फूड होता है वो कॉटिलेडन्स के अंदर स्टोर्ड होता है। अगर सीड के अंदर मतलब कि एक कॉटिलेडन है तो उसे सिंगल या मोनोकॉटिलेडन कहा जाता है, अगर डबल है तो उसे डाइकॉटिलेडन कहा जाता है। मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मोनोकॉट में कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं हम यहाँ, जैसे राइस है, वीट है, ये सारे क्या है, मोनोकॉट में आते हैं। और डाइकॉट में आप पी, जो यहाँ फिगर दिखाया गया है, ये सॉरी ये ग्राम का फिगर है, और पी जो मटर है ये भी डाइकॉट में आता है। तो यहाँ इस फिगर्स को देख सकते हैं डाइकॉट को इजीली समझने के लिए, कि इसमें सीड कोट को आपको इंडिकेट किया गया है, हिलम है और एंड माइक्रोपाइल। यहाँ टू कॉटिलेडन्स देखने को मिलते हैं इन ग्राम। प्लिम्यूल ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ये शूट सिस्टम को फॉर्म करेगा, एंड रेडिकल जो है ये रूट को फॉर्म करेगा। फॉर्न्स एंड मोजेस फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, इन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। फ्लावर्स की जगह ये टाइनी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं हम, स्पोर्स। और ये स्पोर्स मैच्योरिटी के समय प्रोड्यूस होते हैं फॉर्न्स और मोजेस में। ओके, अब ये स्पोर्स अगर सुइटेबल कंडीशन पा जाते हैं, सुइटेबल कंडीशन मीन्स मॉइस्ट प्लेसेस पे अगर ये फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो ये जर्मिनेट करते हैं ये स्पोर्स, और एक नए प्लांट को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड के बारे में भी बात कर लिया, और यहाँ हमारा जो है वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।